हमारे जीवन में हमारे सत्कर्मों का प्रतिफल नहीं मिल रहा हो और यदि दुख बाधाएं और तकलीफें हमारे जीवन में बनी हुई हों तो किसी को ज्ञात हो ना हो, हमारे उस परमात्मा को ज्ञात जरूर होता है और वहीं एक सच्चे हमारे प्रेरणा स्रोत बन करके हमारे जीवन में कुछ न कुछ ऐसा परिवर्तन जरूर करते हैं जिससे हमारा जीवन सौहार्दपूर्ण और सुखद हो जाए। और ऐसे ही एक सुखद स्थिति बनाए हुए हैं आपके जीवन पर, कुंभ राशि के जीवन पर, कुंभ लग्न के जीवन पर, उनके ठीक पंचम भाव पर सूर्य बुद्ध का बुधादित्य राजयोग बना हुआ है। ये राजयोग इसलिए भी आपके लिए बहुत खास है क्योंकि आपके तीसरे, आपके पंचम भाव के स्वामी आपके पंचम भाव पर ही उपस्थित हैं। बुध आपके लिए एक ऐसे ग्रह हो जाते हैं जो सदैव के लिए आपके प्रारब्धों का प्रतिफल आपको दिलाने के लिए सदैव बाध्य हैं। आपके बुध, बुध ही तो है जो बुद्धिमत्ता है, हमारा व्यापार कौशल है और साथ में वो सब कुछ है जो हम इस बुद्धि से अपने निर्णयों के द्वारा लेते हैं। बुद्ध देवता, आप देखेंगे 24 जून 2023 का वो दिन होगा जिस दिन बुद्ध देवता आपके चतुर्थ भाव को छोड़ करके आपके पंचम भाव पर गोचर करेंगे। ऑलरेडी पहले से यहाँ पर सूर्य देवता विराजमान हैं। कब तक रहेंगे? तो 7 जुलाई 2023 तक बुद्ध देवता यहीं पर रहेंगे और सूर्य देवता आगे 15 जुलाई तक भी यहीं पर रहेंगे। अर्थात इस 14 दिनों में एक बुधादित्य नाम का राजयोग आपको देखने को मिलेगा जो कि एक ऐसा राजयोग है जो आपके जीवन को परिवर्तन की ओर ले जाने के लिए अग्रसर होगा। आपके जीवन के लिए कैसे होगा, इसी बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान होगा आपको कि सूर्य स्वयं एक मरकरी लाइट के बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास इतना शक्ति होता है, इतना सामर्थ्य होता है कि ये सभी को प्रकाशित कर सके। हमारे जीवन में सूर्य देवता अग्नि के कारक, अग्नि तत्व के ग्रह माने गए हैं और इसी कारण से सारा जगत यदि कहीं प्रकाशमय है तो एकमात्र सूर्य नारायण के कृपा मात्र से है। यदि सभी ग्रहों को जो रश्मियां प्रदत्त है वो रश्मियां भी भगवान सूर्य के द्वारा ही उन्हें प्राप्त है। कुल मिलाकर के हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, उन अंधकार हैं, उन अंधकारों को दूर करने का एकमात्र सोर्स, एकमात्र जरिया यही तो है भगवान सूर्य। अब सूर्य देवता यहाँ पहले से थे, अब यहीं पर आप देखेंगे कि बाकी सभी देवताओं को सिर्फ देव कहा गया है, सभी ग्रहों को, लेकिन मात्र एक सूर्य देव ऐसे हैं जिनके नाम के साथ जुड़ जाता है सूर्य नारायण। नारायण शब्द जुड़ना अर्थात स्वयं साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु हैं, इसीलिए कहा गया भगवान स्वयं कहते हैं चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायता, मतलब मेरी जो आंख है यही सूर्य है। और भगवान जब किसी को देखना होता है ना तो इसी सूर्य के माध्यम से देखते हैं। चंद्रमा मनसो जाता, और जब दिन का जो समय होता है भगवान सारे संसार को देख रहे हैं, हम सोचते हैं भगवान हमारे कर्तव्यों को नहीं देख रहे हैं, हमारे कर्मों को हम सोचते हैं नहीं देख रहे हैं, परंतु वो भगवान सूर्य रूपी भगवान जो सदैव हमारे जीवन को प्रकाशित कर रहे हैं वो सामने साक्षात हमें दिख रहे हैं। और रात के समय पर क्या होता है, चंद्रमा आ जाते हैं, चंद्रमा मन सो जाता है, आपके मन में जो कार्य है उन कार्यों की गतिविधियों को चंद्रमा नियंत्रित करते हैं। और बुध कौन है, बुध आपके बुद्धि है, आपकी जो बुद्धि है, जो निर्णय क्षमता आपकी है, यही तो है बुध देव। तो जब ये प्रभावी होते हैं, जब ये अनुकूल होते हैं, आप में निर्णय क्षमता बढ़ जाती है, आपके डिसीजन सही होने लगते हैं, आपके निर्णय आपने कहीं पर लिया है तो वो गलत नहीं होते, आपके उस कर्मों का प्रतिफल यहीं पर बुध देव आपको प्रदान कर सकते हैं। सूर्य बुध की युति यदि पंचम भाव पर हो तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है, सबसे अधिक लाभ इस बात का होता है कि हमारी बुद्धिमत्ता तो बढ़ती ही है, साथ में एक दिव्य चक्षु हमारे अंदर कायम हो जाता है। चक्षु के कारक भी सूर्य भगवान को, आंख के कारक सूर्य भगवान को माना गया है और बुद्धि के कारक बुद्ध को माना गया है, इसलिए पंचम भाव जागृत हो जाएगा। आप यदि शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं, यदि आप शिक्षा अर्जन कर रहे हैं तो ये योग आपको कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आपके जीवन पर ला करके प्रेरित कर देगा। यदि आप शिक्षा प्राप्त नहीं करते, आप व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, उन सब में आप देखेंगे एक प्रकार से सूक्ष्म और शुभ दृष्टि आपको भगवान की प्राप्त होने लगेगी। बुधादित्य राजयोग का प्रभाव है भाई। यदि आपके जन्म पत्रिका में भी सूर्य बुध का योग आपके पंचम भाव पर है तब भी ये सारे जो प्रिडिक्शन है आप उसे समझ लीजिए, आपको वो सारे प्रिडिक्शन का फल आपको यहीं से आपको मिल जाएगा।
बुध कौन है? बुध स्वयं एक पृथ्वी तत्व की राशि है, एक पृथ्वी में धारण करने की क्षमता होती है। आपने सुना होगा कि ये सारा पृथ्वी जिसे भगवान शेषनाग ने अपने फन पर कायम रखा है, ये विश्वास के आधार पर ही पृथ्वी टिकी हुई है, और यही विश्वास तो है हमारा बुध, जो आपके लिए आपके पंचमेश है, आपके प्रारब्धों का प्रतिफल यदि कोई दे सकता है तो वो बुध देवता होते हैं। कुल मिलाकर के आपके शिक्षा एजुकेशन में वृद्धि, यदि आपके संतान हैं तो संतान के लिए तो और अच्छा हो गया, उनके कैरियर में ग्रोथ लेकर के आएंगे, उनके एजुकेशन में वृद्धि लेकर के आएंगे। यदि संतान संबंधी चिंताओं से आप ग्रसित हैं तो उनसे भी आपको मुक्ति दिलाएंगे, कोई ना कोई एक ऐसा मार्ग प्रशस्त कर देंगे यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग के प्रभाव से जो आपके जीवन को उन्नत बना दे। सूर्य बुध की युति जिस भाव पर है वो भाव आपका जागृत है। शेयर मार्केट इत्यादि से, लॉटरी से, सट्टा से, इन सब क्षेत्रों से भी आपको लाभ मिलने की संभावना यहाँ पर दिलाते हैं, परंतु कोई बहुत बड़ा शेयर मार्केट में धन लगाने से पहले अपने कुंडली का विश्लेषण आप जरूर करवा लें, क्योंकि पैसों का मामला है भाई। एक सिर्फ गोचर को देख करके आप आगे मत बढ़िए, आप अपनी कुंडली देखिए और बाकी अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आप इस गोचर का सहारा तो ले ही सकते हैं। अब किन भावों के मालिक हैं इसके बाद, अच्छा किस राशि में पड़े हैं, तो ये मिथुन राशि में पड़े हैं। मिथुन राशि स्वयं एक वायु तत्व की राशि है, हाँ वायु तत्व की राशि है। अब यहाँ पर यदि सूर्य कौन हो गया? अग्नि। बुध कौन हो गया? पृथ्वी। और जिस राशि पर है वो कौन हो गया? तो ये हो गए हैं वायु। तो क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। हमारा शरीर भी तो इन्हीं पांच तत्वों से बना है, सारे संसार में इन्हीं पांच तत्वों का ही मेल है, और इसी कारण से आपका पंचम भाव यहाँ पर जागृत हो जाता है। किस भाव के स्वामी हैं भगवान सूर्य, पहले इसकी बात कर लेते हैं फिर हम लोग बुध में आएंगे। तो भगवान सूर्य किस भाव के स्वामी हैं? आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सप्तम भाव के अधिपति सूर्य देवता बनते हैं आपके लिए। सप्तम भाव आपका पंचम में आ गया, लव रिलेशन को ये काफ़ी अच्छा बना सकता है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, जो प्रेमी युगल हैं, जो प्रेमी जोड़े हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा समय हो सकता है कि इनके प्रेम विवाह इत्यादि की संभावना भी काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। सप्तम भाव के स्वामी हमारे जीवन साथी भाव का स्वामी प्रेम भाव पर आता है तो ऐसी संभावनाएं बन जाती हैं, परंतु सोच समझकर विचार करके ही अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी का आपको विचार करना चाहिए। फिर यही वो भाव है जो आपके बिजनेस का भाव है, आपके व्यापार का भाव है। भाई व्यापार भाव के स्वामी यदि पंचम में आएंगे तो आपका प्रेम कहाँ हो जाएगा? आप जो कार्य करते हैं, आप जो भी प्रोफेशन में हैं, आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं या प्रोफेशन के कार्य में हैं, उसमें आपका प्रेम हो जाएगा। अब प्रेम का होना मतलब माना जाता है कि व्यक्ति जहाँ प्रेम करता है, जिस घर से जुड़ करके वो प्यार करता है, वो भाव उसका जागृत हो जाता है और वो सफलता को जरूर प्राप्त करता है। यहाँ पर आपके व्यापार, आपके मित्रों का सहयोग भी आपको इस समय पर सर्वाधिक मिलने का योग है। कोई मित्र यदि आपसे असंतुष्ट हो गए हैं या मित्रों से आपके तनाव की स्थिति बनी हुई है, दोनों ही स्थिति में यहाँ पर सूर्यदेव आपको वहाँ पर अच्छा रिजल्ट देखने को आपको मिल सकता है। अब देख लेते हैं बुध की क्या स्थिति है। तो भाई बुध के पास दो राशियां होती हैं, एक 3 नंबर और एक 6 नंबर। तो 3 नंबर राशि में तो ये अपने घर पे आए हैं, कितना अच्छा हो गया। आप ये सोचिए आप अपने घर पर हैं, कितना सेफ महसूस करेंगे कि आप जिस घर पे रहते हैं वो आपका ही घर है। तो आप सोचिए कि उसमें कितना आप बदलाव करने का कोशिश करेंगे, उस घर को साफ सफाई रखेंगे, किसी प्रकार से वहां पर कष्ट ना आए, समस्या ना आए, इसका आप ख्याल रखेंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर बुध देव अपने घर पर है, आपके बुद्धि मता को यहां सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे, क्योंकि बुध आपके बुद्धि के कारक माने गए हैं। आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उसमें विकास होने की संभावना है, कोई एक ऐसा ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है, ऐसी एक सामर्थ्य आपके अंदर आ सकती है जहां पर आप जुड़ करके बहुत अधिकाधिक लाभ ले सकते हैं। ये हो गया इनके तीसरे भाव, मतलब 3 नंबर का भाव जो पंचम भाव पर पड़ा है। अब बात करते हैं छठे 6 नंबर का। तो 6 नंबर कहाँ है भाई? तो 6 नंबर आप देखेंगे ये अष्टम भाव हो गया।
अष्टम भाव का है? अष्टम भाव हो गया आपके जीवन में आपके परिवर्तन का। परिवर्तन भाव का स्वामी जब पंचम भाव पर आते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमारे मतलब एक डिप्रेशन का शिकार हम हो सकते हैं। उससे बचना है आपको कि कहीं हम डिप्रेस ना हो जाए। कोई बात है जो बार बार आपको कसक रही है, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे वो परिवार से संबंधित हो, या कोई अन्य बात हो सकती है, वो बात आपको बार बार कसक रही है, उसको उससे आपको मुक्त होना है। देखिए बंधन है, अष्टम भाव हमारा बंधन भी है, तो उस बंधन से जब तक हम मुक्ति नहीं पाएंगे अपने जीवन को कैसे हम लाभान्वित ले सकते हैं, आप स्वतः ही विचार कीजिए। तो इस प्रकार से अष्टम भाव चूंकि परिवर्तन का है तो आपके जीवन में परिवर्तन का एक श्रेष्ठ सु अवसर आपको प्राप्त हुआ है, आपको बस इतना समझना है और इसे समझते हुए अपने बुधादित्य राज्यों के इस प्रभाव को आपको जागृत करना है। जागृति के लिए हमने बताया कि अब इसके दृष्टि को बात कर लेते हैं, उसके बाद हम एक छोटा सा उपाय आपको देंगे जो बहुत ज्यादा आपके लिए लाभकारी हो सकता है। दृष्टि तो यहां से देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि सूर्य और बुध दोनों की सातवीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ रहा है। एकादश भाव का है क्या भाई? एकादश भाव वो स्थान हो गया जहां पर आपके लाभ की प्राप्ति होनी है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होनी है। और विशेष बात तो इसलिए भी हो गया कि जिस घर पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, ये आप इनके मित्र के की राशि धनु है, धनु के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो इसलिए बृहस्पति के भाव पर इनकी दृष्टि होना आपके लिए अच्छा हो गया। आपकी जो डिजायर है, जो आपकी ड्रीम है, जो आपकी इच्छाएं हैं, उनमें पूर्ति होने की संभावना यहाँ पर दिखेगी कि नहीं दिखेगी? जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनको भी यहाँ पर सफलता, शेयर मार्केट इत्यादि से में आप जुड़े हुए हैं वहां से भी आपको सफलता। प्रारब्ध में जो आपने प्रारब्ध माने पहले पूर्व जन्म में या पहले समय में जो कर्म आपने किया है उनका प्रतिफल सही मिल पाना। पंचम भाव सूर्य और बुध एक संग में है, किसी भी लिहाज से आपके लिए अशुभ और खराब नहीं है, आपको बस इतना समझना है। क्योंकि आपके लग्नेश जो शनिदेव हैं, आपके राशि के स्वामी कौन हो गए? तो शनिदेव हो गए, कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव। और शनि देवता के सबसे बड़े मित्र हैं बुध देव। हालांकि शनि देवता अपने पिता सूर्य से शत्रुवत व्यवहार रखते हैं, परंतु सूर्य बोलते हैं कि बेटा तुम मुझसे कितना भी शत्रुवत व्यवहार रखो, लेकिन मैं तुम्हारे जीवन को परिवर्तन होने से नहीं रोक पाऊंगा। मतलब आपके जीवन को परिवर्तन करने के लिए आपके पिता का बहुत बड़ा रोल होगा, आप स्वयं देख लेंगे। इन 14 दिनों तक जो ये गोचर का प्रभाव है इससे आप लाभान्वित भी होंगे। अब सूर्य हमारा कौन है? तो सूर्य कहते हैं कि सूर्य हमारे जीवन में हमारा स्वाभिमान है, हमारा अभिमान है, हमारी आत्मा है। तो कहाँ है? पंचम भाव में। इस समय पर आपको एक बात का अभिमान भी आ सकता है, स्वाभिमान भी आ सकता है कि भाई मेरे पास शिक्षा अच्छी है, मेरी अच्छी बुद्धि है और मैं अपने उस बुद्धि के प्रयोग से मैं ज़्यादा श्रेष्ठ कार्य कर सकता हूँ। अच्छी बात है ना भाई, यदि हमारे पास अच्छी बुद्धि है तो उसका अभिमान नहीं उसका स्वाभिमान रखिए तो आपका जीवन और ज़्यादा अच्छा होगा। अब बुध जहाँ होता है हमारी बुद्धि वहीं होती है। बुध कहाँ है? आपके पंचम भाव में है। पंचम भाव आपके शेयर मार्केट का है, पंचम भाव आपके एजुकेशन का है, आपके देख लीजिएगा शिक्षा आपकी अधिक होगी, पढ़ाई लिखाई अधिक करेंगे, संतान से जुड़ करके आप ज्यादा कार्य करने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर के ये जो कुंभ राशि पर ये पंचम भाव पर जो ट्रांजिट है ये अनुकूल है। अब उस उपाय की बात करते हैं जो उपाय आपको सर्वाधिक आपको लाभ करा सकता है। कैसे? तो देखते हैं कि कुंभ राशि से सूर्य किस भाव के स्वामी है, तो सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी है। तो वैवाहिक दृष्टिकोण से भी इसे अनुकूल मानेंगे तो सप्तम भाव के स्वामी हैं। अब बुध किस भाव के स्वामी? तो बुध स्वयं पंचम भाव के स्वामी हैं। तो 3 और 5, 5 और 7 इन दोनों भावों से जुड़ करके यदि कोई उपाय किया जाए तो ये अच्छा होगा। कौन सा उपाय किया जाए? तो इसके लिए माना गया है बुध को सबसे अधिक प्रिय होता है हरियाली। जो आपके घर में हरियाली है, जो पेड़ पौधे हैं, जो वृक्ष हैं, इनमें पानी देना इस बुध को सबसे ज्यादा बल प्रदान करना है, आप ऐसा मान लीजिए। जो नपुंसक वर्ग के जो हैं, जो लोग हैं उनको, जो नपुंसक हैं उनको आप कुछ दान दीजिए, कुछ वस्त्र दीजिए। आप देखेंगे जब आप ट्रेन में जाते हैं, बस में सफर करते हैं या कहीं हैं तो ये आ जाते हैं और आ करके आपको आशीर्वाद देते हैं और बदले में आप क्या देते हैं? कुछ पैसे दे देते हैं।
इसका मतलब सीधा सीधा है कि यदि नपुंसक को यदि आप अपने हाथ से दान करते हैं तो मतलब ये बुद्ध आपका अच्छा प्रभाव देगा, क्योंकि उनमें बुद्ध का प्रभाव होता है। कुल मिलाकर के इस प्रभाव के ट्रांजिट को समझने के लिए आपको यही समझना है कि यहाँ पर आपके सप्तम, हाँ सप्तम और साथ में ये आपके अष्टम और पंचम, इन तीनों भावों का सम्मिश्रण ही आपके जीवन में एक अच्छा ग्रोथ लेकर के आएगा। उम्मीद है आप सब इसे अच्छी भली भांति समझ पाए होंगे। यदि आपने इसे भली भांति समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट के बदौलत ही हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भविष्य में और अच्छे कार्य कर पाए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। एक बार फिर से पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इसे कार्यक्रम को देखा, और सदैव आपका जीवन मंगलमय हो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।